क्वेश्चन है, सपोज आपके पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे ये एक बॉक्स पड़ा हुआ है, मान लो 10 केजी का। आपको क्वेश्चन में म्यू पता है, या चलो आपको क्वेश्चन में म्यू निकालना है, यानी कि फ्रिक्शन तो है, सच दैट ये ब्लॉक नीचे आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ जी बाय 4। क्वेश्चन है, म्यू निकाल लो। बोलो म्यू के कि म्यू एस गिवन है, या तुम्हें म्यू एस चाहिए होगा या म्यू के चाहिए, अलग अलग दूं कि पता लग रहा है कि ये म्यू के ही है, ये म्यू के ही है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, और अगर बॉडी स्लाइड कर रही है तो स्टैटिक का तो क्वेश्चन राइज होता ही नहीं, तो ये म्यू के ही है। तो इसलिए सारी बुक्स 99% क्वेश्चन में म्यू के म्यू एस देती नहीं, अकेला म्यू देती हैं, क्योंकि उसको पता होता है स्टूडेंट को दे तो दिया, स्लाइड कर रही है, ऑटोमेटिकली म्यू के ही है, तो आप म्यू के साथ कर लो काम। म्यू एस म्यू के तो उनमें दिया होता है जिनमें चेक करना होता है बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी, अदरवाइज तो एक म्यू ही दिया होता है। पहला रूल तो वही है, एम जी, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, स्टार्ट वहीं से करेंगे, उसके बिना तो करना ही मत कुछ भी। तो ये टेन जी हो जाएगा, ये स्ट्रेट ड्रॉ करो कि नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, ये नीचे की फोर्स हो जाएगी, तो आपके पास ये आएगा 10 जी, ये आ जाएगा 30 डिग्री, ये आ जाएगा 10 जी कॉस ऑफ 30, और ये आ जाएगा 10 जी साइन ऑफ 30। ठीक है यहाँ तक, ये तो बन गया। अब नेक्स्ट केस ये बताओ, ये बॉडी नीचे आ रही है, स्लाइड कर रही है, तो कौन सी फ्रिक्शन है? काइनेटिक डायरेक्शन बोलो, कहाँ पे? नीचे, तो डाउनवर्ड्स क्यों बोल रहे हो, अपवर्ड्स? बहुत लोग, मैंने बोला ये बॉडी डाउनवर्ड्स आ रही है नीचे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ करेगी इसके ऊपर? ऐसे करेगी, राइट? तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है एफ के, जिसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू इन म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ऑब्वियसली म्यू के निकालने। खुद बनाया ना, पता नहीं, ठीक है यहाँ तक। तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन मुझे पता है क्या है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन एन, इसके इक्वल यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन में। अब बस मुझे ये बताओ, वही पुराना लॉज ऑफ मोशन, कि ये ब्लॉक कहाँ आ रहा है? नीचे, और अगर नीचे आ रहा है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये ऐसे बनेगा, क्योंकि नीचे की फोर्स बड़ी है, पीछे की फोर्स छोटी है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, तो आप इक्वेशन क्या बनाएंगे? 10 जी साइन 30 माइनस ऑपोजिट फोर्स एफ ऑफ के इज 10 इंटू एक्सलरेशन, मतलब नीचे की फोर्स माइनस ऑपोजिट फोर्स इज मास इंटू एक्सलरेशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो इसके अंदर 10 इंटू 10 1/2 म्यू के और नॉर्मल रिएक्शन एन इज इक्वल टू 10 इंटू एक्सलेशन गिवन है जी बाय 4। तो 10 इंटू 10 इंटू हाफ माइनस म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है? 10 जी कॉस ऑफ 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4। जरा प्लीज सॉल्व करना, म्यू के क्या आ रहा है चेक करें, 0.289, कोई नहीं और वेट करते हैं।
पॉइंट सिक्स एट, पॉइंट टू एट, और भी वेट, पॉइंट पॉइंट टू एट नाइन, चेक किए तो म्यू ऑफ के कैन बी कैलकुलेटेड. मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? तो आपको ऐसा फील आएगा जैसे तो फोर्स का चैप्टर शुरू हो गया फिर से, और वाकई हो गया, क्योंकि फोर्स का चैप्टर तो एज इट इज चलेगा ही चलेगा, साथ में एक और वेक्टर अटैच हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इसीलिए फोर्स इंपॉर्टेंट था. तो मैं हमेशा बोलता था फोर्स का चैप्टर आराम से करेंगे, स्लो डाउन करके करेंगे, फ्रिक्शन खराब कर सकते हैं, और फ्रिक्शन ही नहीं या आगे रोटेशन भी खराब कर देगा. पूरी चीज़ें लिंक्ड हैं ये, ठीक है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? और मज़े की बात यह है, जिसको फोर्स क्लियर है फ्रिक्शन पे बोझ कहाँ है, तो बहुत बढ़िया चल रहा है. देखो अगला क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा. ये देखो, सपोज क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन है, एक इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक 5 kg का ब्लॉक है. आपको म्यू के की वैल्यू गिवन है 0.5. आपको ये बताना है कि कितनी एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है. ये क्वेश्चन है, ए बताना है. पिछले क्वेश्चन में ए दिया हुआ था, इसमें ए बताना है. तो बनाओ mg cos थीटा, mg sin थीटा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और फिर बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो पहली फोर्स ये तो बनेगी बनेगी mg cos थीटा, mg sin थीटा. तो ये नॉर्मल रिएक्शन n, ये देखो तो ये n हो गया, ये 5g हो गया, ये 30 हो गया, ये 5g cos 30 हो गया, और ये 5g sin 30 हो गया. ये ब्लॉक क्योंकि नीचे स्लाइड करता हुआ आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगी? पीछे लगेगी, एफ ऑफ के पीछे. तो ये डायग्राम सबने बनाया. तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो नीचे की फोर्स बड़ी, यानी कि 5g साइन ऑफ 30 माइनस पीछे की फोर्स FK इज 5 × एक्सेलरेशन. तो 5g साइन ऑफ 30 माइनस μk इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज 5 × एक्सेलरेशन, या फिर म्यू के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.5, और नॉर्मल रिएक्शन भी पता है 5g cos of 30 इज 5 × एक्सेलरेशन. तो सॉल्व करो, और एक्सेलरेशन कितना? 0.6. सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा. पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें?